Students, I am here with a very important update. Now, welcome to JS English World. आप सभी का JS English World चैनल में हार्दिक स्वागत है. This is Jitendra Sir this side, and I am here with a very important update from CBSE, and for CBSE Class 10 students specially, the CBSE team have decided that some portion of their syllabus must be cut down, must be deleted in order to save them from stress and the burden of study. तो CBSE टीम ने डिसाइड किया है कि क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें कुछ पोर्शंस को डिलीट किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी हो और एक बहुत बड़े भास्ट सिलेबस का प्रेशर जो है उन लोगों पर ना हो. तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए CBSE ने डिसाइड किया है कुछ पोर्शन आपके जो सिलेबस से उसे डिलीट किया जाए. चलिए हम देख लेते हैं बारी बारी से. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को रीडर में दो बुक्स पढ़ने हैं. ये देख लीजिए, ये दो बुक्स आप लोगों को पढ़ने हैं NCERT की तरफ से, फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फूट. तो हम आज देख लेते हैं कि किस तरह से आपका ये सिलेबस में कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है. फर्स्ट बुक आपका है फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें कि आप देख लीजिए आपके कुछ चैप्टर्स यहाँ पर डिलीट किए गए हैं. जैसे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, एनी ग्रेगरी एंड मिस बिल डॉटर. इसमें से आप ध्यान दीजिए कि आपका जो फर्स्ट का ये जो थ्री टॉपिक्स है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज एंड फॉग, ये पोएम्स है. ठीक है, ये पोएम्स है, ये पोएम्स आपके डिलीट किए गए. उसके बाद बाकी के दो जो टॉपिक है आप यहाँ देख लीजिए, फॉर एनी ग्रेगरी एंड मिस बिल डॉटर, ये आपके प्रोज है यानी स्टोरी पार्ट है. यानी कि ऑल टुगेदर आपके फाइव टॉपिक्स को जो है वो डिलीट किया गया है ताकि आपको जो है आसानी हो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में. नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका सेकंड जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फूट. इसमें आपका जो है तीन चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स से आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स में ये सारे पोर्शन से कुछ क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके ग्रामर पोर्शन में. ग्रामर में आपका जो है देख लीजिए, पैसिव वॉइस, क्लाउजेस और प्रीपोजिशन. तो आपके ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर से. ठीक है, जिसमें कि आपका एडिटिंग या ओमिशन होता है, उसके बाद डायलॉग कंप्लीशन होता है जो रिपोर्टेड स्पीच का चैप्टर पर बेस्ड है. उसके बाद आपका आता है रीअरेंजमेंट, जिसको रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं, जंबल वर्ड्स कॉमनली जाना जाता है. और उसके बाद फिल द गैप्स. तो जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं उसमें जो ये टॉपिक्स हैं आपके पैसिव वॉइस, क्लाउजेस, प्रीपोजिशन, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस में नहीं आएंगे. इसका मतलब यही है. तो ऑल टुगेदर आपके सिलेबस में 25-30% का डिलीशन हुआ है, जिससे कि आप आसानी से अपने सिलेबस को कम्प्लीट कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. आशा करते हैं आपको वीडियो ये पसंद आया तो आपको तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल का आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.